अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी महक। तो आज हम बना रहे हैं चिकन शिमला मिर्च मसाला, यानी चिकन कैप्सिकम मसाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टोप ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच तेल, यानी 2 टेबलस्पून ऑयल। अच्छे से गर्म हो जाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन और इसे हम अच्छे से हला लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते कांदा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड किया 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा ऐड करने के बाद अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। फिर इसे हम अच्छे से हला लेंगे जब तक हल्दी की जो स्मेल है वो नहीं चली जाती है। अच्छे से भून कर हो जाने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी चिकन। तो यहाँ पे मैंने 1.5 पाव चिकन लिया था, ये बोनलेस चिकन है। इसमें हम अच्छे से चिकन ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 1-2 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर। तो ये पे मैंने नॉर्मल घर की लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया। आप कोई चाहे तो कोई भी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टोमेटो जो मैंने फाइनली चॉप किए हैं। टमाटो को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बटाटा। इन सबको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। Oh, oh, oh.
सभी चीज़ों को अब मैं थोड़ी देर ढाक के पकाऊंगी। जैसे ढाक के मैंने 4 to 5 मिनट्स तक इसको पका के फिर ओपन कर लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो टोमेटो है वो अच्छे से स्मैश हो गया था। चिकन अच्छे से रेडी हो जाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक शिमला मिर्च जो मैंने स्क्वायर शेप में काट के लिया है, और इसे हम अच्छे से हला लेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच के जितना गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे हम ढक के 1 मिनट के लिए पका लेंगे। शिमला मिर्च को हमको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ये 1 से 2 से 3 मिनट में या 1 से 2 मिनट में अच्छे से ये नॉर्मल पक जाएगी, तो उसके बाद में हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।